अब हर बुध जुमा और इतवार ठीक शाम पांच बजे एक नई वीडियो अपलोड हुआ करेगी इनशाला हमारा अज़म हफ्ते में तीन वीडियो अपलोड करने का है खातिन इस वीडियो में दिखाए जाने वाली तमाम डिशेस की रेसिपीज हमारे यूट्यूब चैनल फूड साइंटिस्ट पर मौजूद हैं यह एक टू पार्ट वीडियो है तो इसका पार्ट टू भी जरूर देखें जिसमें प्रॉन की यखनी नली बिरयानी यखनी हलीम और यहां तक के अनाज से बनने वाले यखनी के बारे में भी बात की गई है अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे कुक हैं तो कमेंट करके बताएं कि कौन से अनाज से यखनी बनाई जाती है बकरे के पाए हों गाय के पाए हों या मुर्गी के पाए हों जब भी हम इन हड्डियों की तरफ देखते हैं तो जहन में बस लाहौर के भज्जे थे पाए या निके के पेशावरी बोंग पाए याद आते हैं लेकिन ये हड्डियां बस पाए बनाने के लिए ही नहीं होती और इनके और बहुत से इस्तेमाल भी हैं और ऐसी बहुत सी डिशेज हैं जहां इन हड्डियों का इस्तेमाल करने से उन डिशेज को चार चांद लगा दिया जाता है आज इस वीडियो में हम ना सिर्फ मटन के पाए बल्कि मछली के सर और झींगों के हड्डियों के भी सही इस्तेमाल का आपको तरीका बताएंगे इस वीडियो में हम पाए के ऊपर थर्टी फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जी हां इस वीडियो में झींगे की हड्डियों के बारे में भी बात करेंगे हम तो पूरी वीडियो बगैर स्किप किए एंड तक देखें नंबर एक पाए में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है पाए में फैट बहुत ज्यादा होता है पाए खाने से मोटे होते हैं यह तो आपने हर दूसरे शख्स को बोलते सुना होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क की आधी से ज्यादा खवतान ऑस्ट्रोपिरोसिस जैसे मर्ज में मुबतला है यानी इस मुल्क में ज्यादातर खातन की हड्डियां भुरभुरी हो चुकी हैं और इनकी हड्डियों की बोन डेंसिटी भी कम हो चुकी है पाए में चिकनाई तो होती है लेकिन पाए में कैल्शियम भी बहुत ज्यादा होता है खातीन और बच्चों के लिए पाए दवा भी हैं और गजा भी अगर पाए खाते हुए उसमें जरा सा नींबू का रस शामिल कर लिया जाए तो पाए में मौजूद कैल्शियम ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी बेसिकली एसिड की मौजूदगी में एब्जॉर्बेशन बेहतर होता है तो पाए अच्छे लगे यहां बुरे पाए खाने चाहिए अगर अपनी हड्डियों के लिए नहीं तो ये सोचकर खा लिया करें कि इससे स्किन भी अच्छी होती है नंबर दो पाकिस्तान में गैस दूसरे ममालिक से नस्बता सस्ती है और आठ घंटे पाए पकाते हुए हम बिल का नहीं सोचते लेकिन बैरून मुल्क मुकीम लोग जितने के पाए ख़रीद कर लाते हैं उससे ज़्यादा की गैस खर्च कर देते हैं इसलिए अक्सर लोग पाए गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं प्रेशर कुकर से पाए तो जल्दी गल जाते हैं लेकिन पाए का डेलिकेट फ्लेवर ख़राब हो जाता है और पाए में से एक आयरनी सा और बड़ा कड़वा सा मेटेलिक फ्लेवर आने लगता है ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है बीफ के पाए में और सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है मटन के पाए के बारे में भी लेकिन चिकन के पाए को आप बगैर डर के प्रेशर कुक कर सकते हैं क्योंकि ये कड़वे नहीं होते इसके पीछे की एग्जैक्ट साइंस का तो मुझे इल्म नहीं लेकिन हाई प्रेशर पर किसी तरह के बिटर कंपाउंड रिलीज होते हैं बीफ और मटन में लेकिन ये बिटर कंपाउंड्स चिकन से रिलीज नहीं होते और जो मैंने चिकन क्यूब्स के ऊपर रेसिपी वीडियो बनाई थी उसमें चिकन के पाए को प्रेशर कुक किया था नंबर तीन जिस तरह बीफ मटन और चिकन का स्टॉक उनकी हड्डियों से बनाया जाता है बिल्कुल उसी तरह फिश स्टॉक भी मछली की हड्डियों और सर से बना लिया जाता है बिल्कुल जैसे मछली का गोश्त बीफ या इवन चिकन के मुकाबले में बहुत जल्दी गल जाता है बिल्कुल उसी तरह मछली की हड्डियों का अर्घ भी बहुत जल्दी निकल जाता है और फिश स्टॉक बनाने में मुश्किल से पंद्रह मिनट मछली के सरों को पकाना होता है अगर ये ज्यादा देर पक जाए तो फिश स्टॉक कड़वा हो जाता है प्राइमरी वजह होती है जिसकी वजह से बहुत से लोगों को मछली का सालन पसंद नहीं होता मछली का स्टॉक बनाने के लिए मछली की हड्डियों को 15 मिनट से ज्यादा ना उबालें। नंबर चार बीफ स्टॉक एक बहुत जबरदस्त इंग्रेडिएंट होता है कुकिंग में ना सिर्फ यह डिश के टेस्ट को बहुत एनहेंस करता है बल्कि डिश के टेक्स्चर को भी एनहेंस करता है किसी भी तरह का स्टॉक हो यह स्टोविंग के अमल से बनाया जाता है स्टूविंग के प्रोसेस में हड्डियों को पानी की मौजूदगी में हल्की आंच पकाया जाता है इस अमल में हड्डियों में मौजूद जेलेटिन में तब्दील हो जाता है यह जेलेटिन एज अ बाइंडिंग एजेंट का काम करता है और आपकी ग्रेवी को बहुत स्मूथ और रिच टेक्सचर देता है यही जेलेटिन होता है जिसकी वजह से पाए खाते हुए आपकी उंगलियां चिपकती हैं बीफ स्टॉक में किसी भी और दूसरे स्टॉक के बनस्बत जेलेटिन ज्यादा होता है नंबर पांच देसी कुजीन में लोग जब स्टॉक बनाते हैं तो इसकी यखनी में बहुत से मसाले भी शामिल करते हैं जिसमें सौंफ अदरक लहसुन काली मिर्च लौंग वगैरह सारे फहरिस्त हैं लेकिन इन तमाम मसालों से ज्यादा जो चीज़ एक्चुअली स्टॉक को तकफीत देती है वो है साबुत प्याज प्याज के बगैर मुझे स्टॉक का जायका अधूरा अधूरा सा लगता है फ्रेंच कुजीन में स्टॉक और स्टॉक से बनने वाली सॉसेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इनकी एक सॉस है जो कई घंटे नहीं बल्कि कई दिन पकती है इस सॉस को डेमी ग्लेस कहते हैं और हम लोग समझते हैं कि पाए को इतनी देर क्यों पकाते हैं फ्रेंच कुजीन में स्टॉक बनाते हुए तीन सब्जियों का अक्सर इस्तेमाल होता है अनियंस कैरेट्स एंड सैलरी इन तीनों सब्जियों को फ्रांसीसी मेयर पोआ बुलाते हैं मैं तीन सब्जियों का तो नहीं लेकिन प्याज का जरूर स्टॉक बनाते हुए इस्तेमाल करता हूँ प्याज स्टॉक के फ्लेवर को बॉडी देता है इसके टेक्सचर को नहीं इसके फ्लेवर को बॉडी देता है अगर आप यखनी में प्याज का इस्तेमाल नहीं करते तो एक बार जरूर साबुत प्याज इस्तेमाल करके देखें नंबर छ लोग समझते हैं कि यखनी सिर्फ गोश्त और हड्डियों से ही बन सकती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि सब्जियों की यखनी भी बहुत मजेदार होती है और बहुत सी डिशेस को चार चांद लगा देती है जैसे कि वेजिटेबल पुलाव वेजिटेबल बिरयानी शाही पनीर पाव भाजी आलू गोश्त का सालन मूंग की दाल और पकौड़े शामिल हैं वेजिटेबल स्टॉक बनाने के लिए प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च गाजर शलजम मूली हरा धनिया पुदीना पार्सले और कड़ी पत्ता इस्तेमाल करें इसके अलावा अगर ये स्टॉक ग्रेवी में शामिल कर रहे हैं, जिस तरह शोरबे वाला सालन होता है तो फिर इस स्टॉक में आप आलू शामिल कर सकते हैं आलू इस वेजिटेबल स्टॉक को जरा गाढ़ा कर देता है बाकी तमाम सब्जियों को छान कर अलग कर दें लेकिन आलू को इसमें मैश कर दें इसी तरह अगर आपको स्टॉक में बंद गोभी या फूल गोभी का इस्तेमाल करना हो तो ज्यादा मकदार में ना करें सेम रूल अप्लाई होता है टमाटर पर इसके अलावा स्टॉक में एरोमेटिक मशरूम्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं खासतौर से जैपनीज चटाखे मशरूम्स ये पाकिस्तान में सूखे हुए मिल जाते हैं इनका बहुत वुडी सा, लकड़ी जैसा फ्लेवर होता है जो स्टॉक में बहुत अच्छा लगता है तो अगली बार जब पकौड़े बनाएं, तो बेसन में सादे पानी की जगह वेजिटेबल स्टॉक इस्तेमाल करके देखें नंबर सात निहारी कुन्ना और पाए में जो चीज़ कॉमन है वो है इन तमाम डिशेस में यखनी का इस्तेमाल ये तमाम डिशेस बग़ैर हड्डियों के नहीं बन सकती बिल्कुल इसी तरह इन तमाम डिशेस में एक चीज़ और भी कॉमन है और वो है पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि निहारी पाए और कुन्ना बनाते हुए जब हड्डियों की यखनी उतार रहे होते हैं तो शुरू में ही इसमें पिसी लाल मिर्च शामिल कर देते हैं लाल मिर्च जब इतनी देर इन हड्डियों के साथ पकती है तो तैयार होने वाली डिश में लाल मिर्च का जला जला और ओवर पावरिंग अरोमा आ जाता है ये ना कुन्ना में अच्छा लगता है ना पाए में और ना निहारी में कराची की सबसे मशहूर निहारी जावेद की निहारी है और इस निहारी की रेसिपी और बाकी रेस्टोरेंट्स की रेसिपी में फर्क लाल मिर्च के इस्तेमाल का है जावेद की निहारी में आपको लाल मिर्च हल्की सी कच्ची कच्ची महसूस होगी क्योंकि वो लोग लाल मिर्च निहारी में बिल्कुल आखिर में शामिल करते हैं और मिर्च को ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा पकाते हैं यही वजह है कि जावेद की निहारी में गोश्त का फ्लेवर बहुत प्रोमिनेंट होता है जबकि इसके बरक्स पुरानी दिल्ली में निहारी में लाल मिर्च का फ्लेवर नुमाया होता है तो अगली बार जब पाए निहारी या कुन्ना बनाए तो लाल मिर्च का इस्तेमाल आखिर में करें यह मिलियन डॉलर टिप है इस वीडियो की नंबर आठ चिकन की यखनी का इस्तेमाल हम लोग बस सूप में ही करते हैं लेकिन कमर्शियल किचन में चिकन स्टॉक्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं आपको शायद जानकर हैरानी होगी लेकिन चिकन फ्राइड राइस में चिकन स्टॉक का इस्तेमाल किया जाता है चिकन पुलाव और चिकन बिरयानी में भी चिकन स्टॉक इन चावलों के दाने दाने को जायकेदार बना देते हैं कराची की हर मशहूर बिरयानी में चिकन स्टॉक या फिर चिकन क्यूब्स का भरपूर इस्तेमाल किया हुआ होता है मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि देख जैसी बिरयानी घर पर क्यों नहीं बनती इसकी बहुत सी वजह होती है और मैं अपनी फिफ्टीन टिप्स टू परफेक्ट बिरयानी के वीडियो में इस पर तफसील से बात कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें उन पंद्रह वजुहत के अलावा जो चीज़ कराची के बाजार की बिरयानी में शामिल की जाती है जो लोग घर पर नहीं करते वो है यखनी नंबर नौ जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि मटन या बीफ के पाए के बरक्स आप चिकन के पाए को प्रेशर कुकर में पका सकते हैं और इसकी यखनी तैयार कर सकते हैं ये यखनी हल्का सा मटैलिक टेस्ट तो रखती है लेकिन यह टेस्ट बहुत सटल सा होता है मैंने अपनी होम मेड चिकन क्यूब की रेसिपी वीडियो में चिकन के पाए को प्रेशर कुक किया था और इतनी देर पकाया था कि चिकन की हड्डियां दो उंगलियों से बहुत आराम से टूट रही थी अक्सर लोग चिकन स्टॉक बनाते हुए ना तो हड्डियों को इतना गलाते हैं लेकिन मैंने हड्डियों को बिल्कुल नरम कर लिया और फिर एक मलमल के कपड़े में रखकर इन हड्डियों को निचोड़ कर इनका सारा अर्क निकाल लिया यूं करने से स्टॉक बहुत स्ट्रांग बनता है यह अमल मटन और बीफ की हड्डियों के साथ भी किया जा सकता है लेकिन बीफ की हड्डियों को इतना गनाने में घंटे नहीं दिन लग जाते हैं नंबर दस आमतौर से निहारी बस बीफ ही की बनाई जाती है और कुन्ना बस मटन का ही बनाया जाता है लेकिन अगर आप चाहें तो इन रेसिपीज में बीफ या मटन की जगह चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब आपको लग रहा होगा कि मैं पागल हो गया हूं और चिकन निहारी की कहाँ हो सकती है और कुन्ना तो बस मटन का ही अच्छा लगता है लेकिन जनाब मैं यहाँ नॉर्मल चिकन की बात नहीं कर रहा बल्कि देसी मुर्गी की बात कर रहा हूँ और कोई आम देसी मुर्गी की नहीं बल्कि कम से कम दो साल के देसी मुर्ग़े की बात कर रहा हूँ इन अधेड़ उम्र देसी मुर्गों का गोश्त बीफ जितना ही सख्त होता है और इनकी हड्डियाँ मटन जितनी मज़बूत होती हैं देसी मुर्गी और फार्मी मुर्गी के फ्लेवर में बहुत फर्क होता है देसी मुर्गी का बहुत गेमी फ्लेवर होता है फार्मी मुर्गी से निहारी और कुन्ना अच्छा नहीं बनता लेकिन देसी मुर्गे का बहुत लजीज बनता है और इसकी वजह इसकी हड्डियों से हासिल होने वाली यखनी है अगर आप देसी मुर्गा खाने की इस्त नहीं रखते तो इसकी जगह अंडों से उतरी हुई लेयर मुर्गी का भी आप यहां इस्तेमाल कर सकते हैं बाजार में मिलने वाला चिकन कॉर्न सूप और चिकन की यखनी भी इन्हीं बुढ़ी अंडे देने वाली मुर्गियों से बनी हुई होती है क्योंकि ना सिर्फ ये ब्रॉयलर मुर्गी से कम नरकों पर दस्तियाब है बल्कि इनकी हड्डियों से अर्ग भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलता है नंबर ग्यारह कहते हैं कि आप खाना पहले अपनी आंखों से खाते हैं जितना जरूरी डिश का जायका होता है उतना ही जरूरी इसकी प्रेज़ेंटेशन होती है बकरे के पाए को अक्सर लोग साबुत ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यूं इनकी फाइनल लुक बहुत अच्छी आती है लेकिन साबुत साबुत्पा इस्तेमाल करने से होता यह है कि इनकी नली में मौजूद गूदा या फिर मिख इन्हीं नलियों में रह जाती है और आप इससे लुत्फ नहीं हो पाते तो हमेशा नलियों को इन जगहों से तोड़कर डिश में शामिल किया करें ताकि गूदा एक्सपोज हो जाए इसी तरह जॉइंट के करीब हड्डियों के गोलों को भी काट लें यूं हड्डियों का ज्यादा स्ट्रॉग फ्लेवर यखनी में उतर कर आता है नंबर बारह लाहौर में भज्जे भजेते पाए एक लेजेंड है लाहौर में क्या अब भज्जे के पाए की मकबूलियत पूरे पाकिस्तान में हो चुकी है यह छोटी सी दुकान बकरे के पाए बेचती है इनके पाए की रेसिपी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूं और अगर आपको बिल्कुल भज्जे जैसे पाए घर पर बनाने हो तो वो रेसिपी देखें भज्जे ते दे पाए और नॉर्मल पाए की रेसिपी में सबसे बड़ा फर्क दही के इस्तेमाल का होता है इस रेसिपी में प्याज को ज्यादा ब्राउन ना करें और दही को भी ज्यादा देर ना भूने बल्कि दही शामिल करने के बाद बस एक दो मिनट दही को भून लें और फिर इसमें पानी शामिल कर दे और जब तक इसमें उबाल ना आ जाए इसमें चमचा चलाते रहे यूं दही यखनी में फटता नहीं है और पाए की ग्रेवी स्मूथ तैयार होती है अगर आपने मेरी भज्जे पाए की रेसिपी वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें नंबर तेरह गाय और भैंस दो बहुत मुख्तलिफ जानवर हैं और दोनों के गोश्त के जायके और टेक्सचर में फर्क होता है कम फर्क होता है लेकिन फर्क होता है आमतौर से पाकिस्तान में गाय का गोश्त भैंस के गोश्त से ज्यादा पसंद किया जाता है लेकिन तीन डिशेज ऐसी हैं जो गाय से ज्यादा भैंस की बेहतर तैयार होती हैं पहली तो है भैंस के दूध से तैयार करदा खोया भैंस के दूध से तैयार करदा खोया ज्यादा क्रीमी होता है और इस खोए से तैयार करदा मिठाई ज्यादा बेहतर बनती है दूसरी चीज है भैंस के गोश्त का कीमा कीमे से तैयार होने वाली डिशेज में भैंस का गोश्त का कीमा ज्यादा फ्लेवरफुल होता है और इसमें मीट का फ्लेवर भी ज्यादा होता है तो नेक्स्ट टाइम जब तवा कीमा या सीख कबाब बनाएं तो भैंस का गोश्त का कीमा इस्तेमाल करके देखें और तीसरी चीज जो भैंस से ज्यादा अच्छी बनती है वो है इसके पाए भैंस के पाए गाय से ज्यादा बेहतर बनते हैं भैंस के पाए की ग्रेवी ज्यादा रिच और स्मूद होती है और उसका फ्लेवर भी ज्यादा स्ट्रांग होता है पेशावरी बोंग पाए एक बहुत उम्दा डिश है जो पठान भाई नाश्ते में खाना ज्यादा पसंद करते हैं यह भैंस के पाए से तैयार किए जाते हैं पेशावर में बोंग पाए निक्के के सबसे ज्यादा मशहूर हैं यह पाए मट्टी के बड़ी बड़ी हांडियों में तैयार किए जाते हैं और इसमें पाए के साथ साथ बोंग और जुबान का गोश्त भी शामिल किया जाता है निक्के के बोंग पाए की वीडियो भी मैं आपको बनाना सिखा चुका हूं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें मुझे बजाते खुद भज्जे के पाए से ज्यादा पिशावरी बोंग पाए ज्यादा पसंद है नंबर चौदह लाहौर और पिशावर के पाए तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन इन शहरों के अलावा एक जगह और है जहां के पाए का जिक्र कम ही होता है लेकिन मुझे सबसे ज्यादा यहां के पाए पसंद हैं। यह जगह है, है चिनियोट। चिनियोट में कुन्ना पाया बनता है जिसमें बकरे के पाए के अलावा बकरे का चर्बी वाला गोश्त भी इस्तेमाल किया जाता है मेरी नज़र में पाकिस्तान में मिलने वाली तमाम पाए की डिशेज में यह सबसे सोफिस्टिकेटेड पाए की डिश है मैंने एक बार नहीं बल्कि दो बार अपने चैनल पर मटन कुन्ना पाया आपको बनाना सिखाया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखें यह मेरी फेवरेट डिशेज में से एक है नंबर पंद्रह कुन्ना और बाकी तरह के पाए में जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो कुन्ना में जीरे और आटे के इस्तेमाल का है जीरे का बहुत प्रोमिनेंट फ्लेवर होता है कुन्ना में और इसमें एक नहीं बल्कि दो बार जीरे का इस्तेमाल होता है इसी तरह दूसरी रेसिपीज के बरक्स इसमें निहारी ही की तरह आटा भी शामिल किया जाता है कुन्ना निहारी जितना गाढ़ा तो नहीं होता लेकिन बाकी पाए की रेसिपी से इसकी ग्रेवी जरा गाढ़ी होती है आमतौर से लोग समझते हैं कि कुन्ना का मटियाला मजा इसको मट्टी की हांडियों में बनाने की वजह से आता है लेकिन यह सच नहीं इस मटियाले मजे की वजह इसमें इस्तेमाल होने वाले अर्थी स्पाइसेस हैं जिन पर बहुत डिटेल में मैं अपनी मटन कुन्ना पाया की वीडियो में बात कर चुका हूँ वो वीडियो जरूर देखें YouTube पे मेरी पहचान फूड साइंटिस्ट है और मैं आपको कमर्शियल रेसिपीज हो या डोमेस्टिक रेसिपीज हो, देसी हो या विलायती हो हर तरह की रेसिपीज ना सिर्फ बनाना सिखाता हूं बल्कि कौन से इंग्रेडिएंट का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं ये भी बताता हूं इस फूड साइंटिस्ट चैनल का मकसद आप लोगों को ना सिर्फ एक सेट रेसिपी देना है बल्कि इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग टेक्निक्स का सही इस्तेमाल सिखाना है इस चैनल पर हम आर्टिफिशियल फ्लेवर्स हार्मफुल केमिकल्स आर्टिफिशियल फूड कलर्स का इस्तेमाल नहीं करते अगर आप हमारी वीडियो बाकायदगी से देखते हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल फूड साइंटिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो बर मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे फेसबुक पर किसी पेज को लाइक करना लाल सब्सक्राइब के बटन के बराबर में आपको एक बेल आइकन नजर आएगा इस घंटी पर भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके हम हर बुध, जुमा और इतवार एक नई वीडियो अपलोड करते हैं यानी कि एवरी वेंसडे फ्राइडे एंड संडे। हमारा आजम हफ्ते में तीन वीडियोज अपलोड करने का है इस वीडियो के पार्ट टू में बहुत दिलचस्प फैक्ट्स पर हम बात करेंगे जिसमें प्रॉन की यखनी नली बिरयानी यखनी हलीम और यहां तक के अनाज से बनने वाली यखनी के बारे में भी हम बात करेंगे तो इस वीडियो का पार्ट टू जरूर देखें वक्त देने का शुक्रिया अल्लाह ने के बाद